तो वहीं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। कृषि मंत्री जेपी दलाल का कहना है कि किसानों का आंदोलन किसानों का ना रहकर राजनीति से प्रेरित हो गया है। किसानों को आगे करके कांग्रेस अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रही है और जो आज हरियाणा रोककर किसान बैठे हैं उनका कोई औचित्य ही नहीं है कि वो ऐसे हरियाणा में आकर धरना दे। वहीं हमारे संवाददाता ने हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल से खास बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने कहा सुनवाते हैं। इस वक्त मेरे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल जी हैं। किसानों के मुद्दे को लेकर आज हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, आज दशहरे का दिन है लेकिन किसान अभी भी सिंघू बॉर्डर पर और कुंडली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। क्या कुछ सरकार की योजना है कि क्या कब तक उनकी बात मानी जाएगी, क्यों जो है कोई हल नहीं निकला है अभी तक? सबसे पहले तो मैं देशवासियों को प्रदेशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएँ देता हूँ। जहाँ तक विषय है किसान आंदोलन का, बहुत लंबे समय से ये चला हुआ है और बहुत बार मैं बोल चुका हूँ कि जब ये कानून है ही नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसको स्थगित कर दिया, सुनवाई चल रही है, तो इन धरना प्रदर्शन आंदोलन का कोई औचित्य नहीं रह जाता। देश संविधान से चलता है, पार्लियामेंट कानून बनाती है और उसमें अगर कोई कमी है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसका संज्ञान लेती है और इस वक्त जो है मामला उनके विचाराधीन है, तो किसी भी तरह से कोई औचित्य नहीं बनता कि आंदोलन चलाया जाए। यह आंदोलन इस वक्त शुद्ध रूप से राजनीति का स्वरूप ले चुका है। हमारी विपक्षी पार्टियां जो दो बार के लोकसभा के चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा से हार चुकी हैं, उन द्वारा प्रायोजित यह आंदोलन है और वो चाहते हैं कि किसी न किसी रूप में देश में अव्यवस्था फैलाकर किसानों का आडंबर आवरण ओढ़ करके वो देश को जो है आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। कुर्सी की लड़ाई है, कुर्सी वो हथियाना चाहते हैं जबकि जनता उनको अपना मत देने को तैयार नहीं है। जी, 11 दौर की बातचीत हुई, कहाँ पर बात अटकी हुई है? क्या किसानों की वजह से अटकी हुई है या केंद्र सरकार जीत पे अड़ी है? देखिए, बातचीत भारत सरकार ने बड़े गंभीरता से जो वरिष्ठ मंत्रियों की कमेटी बना के की और यही कहा कि आपको बिंदुवार किसी भी विषय पर किसी भी बिंदु पर आपको आपत्ति है तो हम उसको सुधारने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे जो जत्थेदार थे, जत्थेबंदियां थी, इन्होंने ठान रखा था कि इन्होंने मानना ही नहीं है, इन्होंने साबित करना है कि ये पार्लियामेंट से ऊपर है। धन्यवाद सर। ये थे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल, जिन्होंने आज खुलकर किसानों के मुद्दे पर बातचीत की और इनका कहना है कांग्रेस की तरफ से किसानों को कहीं ना कहीं भ्रमित किया जा रहा है। जो किसान आंदोलन है कहीं ना कहीं अब वो राजनीतिक रूप ले गया है और साथ ही इनका ये भी कहना है कि जो किसान इस वक्त कुंडली और सिंघू बॉर्डर पर बैठे हैं और हरियाणा के जितने भी रास्ते रोके हैं उनका औचित्य नहीं है कि वो हरियाणा में आके बैठे, क्योंकि हरियाणा में किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं। नेटवर्क 10 के लिए कैमरामैन गणेश के साथ चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।